तो ये है लक्ष्मी फैशन। जहाँ भाई भी इनको दिखा के दुखी हो गया। मैं जा रहा हूँ कुछ खाने क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है, क्योंकि सुबह वर्कआउट कर लिया था जस्ट, और बैग का शूट तो नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि मैं मोबाइल घर पर भूल गया, सुबह हेडफोन ले गया, मोबाइल घर पर ही रह गया। तो यार बहुत बुरा हाल है भूलने का। तो मेरे को ये पता नहीं यार आदत कहाँ से लग गई है कि मैं अभी ना इतना भूलने लग गया हूँ चीज़ों को। अब भूख लग रही है, कुछ खाना है, कुछ पनीर वाली आइटम खाऊँगा बढ़िया सी, या कुछ मिल जाए ना मेरे को ग्रिल्ड पनीर वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए, या पनीर टिक्का मिल जाए अभी। पर यहाँ सुबह कहाँ ही मिलेगा यार पनीर टिक्का। अच्छा वाला खाने जा रहा था, वह पहुँच ही गया था इधर, उसके बाहर ही अभी गाड़ी घुमाई है मैंने कि हाँ अभी घर वालों का फ़ोन आ गया जी आ जाओ वापस, हमने जाना है थोड़ा घूमने। पहले उनको घुमाने जाऊँगा फिर उसके बाद कुछ खाते हैं या उनके साथ ही कुछ खा लूँगा। अब पता नहीं इन्होंने क्या करना है भाई। यार मैं भी अब घर आके रेडी हो गया हूँ, रेडी किया हुआ सिर्फ बाली सेट किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बिखरे से पड़े थे ऐसे घूम रहा था। और बस अब एक डियो लगाना बढ़िया सा, डियो तो मिला नहीं मेरे पास, ये कौन सा ज़ारा ओमो पड़ा, यही लगा लेते हैं क्योंकि घर वाले भी रेडी हैं। तो फिर मैं भी तो यार कुछ लगा कर ही जाऊँगा, ऐसे तो मैं भी नहीं जाने लगा थोड़ा सा, तो हम भी लिश्क पुश्क के जाएंगे जो घर वाले बोलते हैं। बेटे मुझे बुला के तुम खुद यहाँ पे मोबाइल चला रहे हो, अभी मोबाइल जरूरी है कि जरा काम करने वाला है? और मैं पता कितने जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। अरे कोई नहीं, चल पड़ते हैं तो आप भी 5 मिनट वेट भी कर सकते हैं ना। नहीं आगे बस चल 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 लगी हुई है। मैं नहीं कर सकता भाई वेट तेरे करके, मैंने दुनिया भर के काम छोड़ के आया हूँ। दुनिया भर के काम ना छोड़ के आया, बहुत जरूरी काम था मुझे, बड़े जरूरी काम थे। बस ऐसे दुनिया भर के मुंह बनवा लो इनसे, चाहे ऐसे करना चाहे वैसे कर लो। आप जब रेडी हो गए फिर बैठना क्यों है? तो यार ये बात गलत है यार, कोई रेडी नहीं होता, फिर मेरे को बुलाया उस वक्त करो जब रेडी होते हो आप लोग। चल मम्मी बुला रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मैं गाड़ी थोड़ी स्टार्ट करके रख लेता हूँ, घर वाले फिर ही बैठते हैं आके। भाई गर्मी तो इनको बहुत लगती है, पर वैसे आज मौसम ठीक है यार, कोई इतना बुरा भी नहीं है, वेदर तो यार बढ़िया चल रहा है। तो मैडम जी भी आ गए हैं, राजमाता भी आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। yes. शॉपिंग करोगे? बिल्कुल सर, शॉपिंग करके तभी आपको बुलाया, तभी आपको बुलाया। इतनी देर से क्या रही थी? मैंने खाना भी नहीं खाया तुम्हारे चक्कर में। तो आप लंच कर लेते तब तक? लंच कर लेते तब तक, फोन लेके तो बैठे रहते हैं सारे जने। क्या खाना था जब मैं खान लग गया फिर टाइम लग गया ना, मेरे को लगता है मैं अंदर निकलता नहीं हूँ, खाता हूँ चबा चबा। क्या 140 बार चबाते हो? और क्या, तुझे नहीं पता इतनी बार चबाना चाहिए? तूने आंसर सही दिया है पर तूने मजाक में दिया। मुझे पता था तभी मैंने बोला। नहीं जी कहते हैं मुझे पता ही है, कहते हैं मुझे पता ही है। तो अब हम आ गए हैं मार्केट में, तो आ गए हम ज्योति चौक, और घर वाले होली होली पीछे आ रहे हैं। भाई चल लो तेज, तो ये है लक्ष्मी फैशन जहाँ पर अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। यार इनके पास ना वैराइटीज़ काफ़ी है, और घर वाले तो हमेशा यहीं आते हैं, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो ये इनकी शॉप है पूरी मैडम। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर लक्ष्मी ट्रेड्स के, तो यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा जो इनको चाहिए। तो यार अभी इनके लोग कैसा लग रहा है? भाई दिखा रहे हैं इनको कपड़े पसंद आने के बाद। कैसे कुछ आ रहा है पसंद कि नहीं? बहुत सुंदर है ड्रेसिंग, इनके पास वैरायटी बहुत है। आप देखो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं, बहुत वैरायटी है। वो मुझे ब्लैक लग रहा है, हमने भी लास्ट टाइम यही देखा था कि ब्लैक है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक भी दिखाया था इसलिए। देखो यार एक कपड़ा लेना है इन्होंने, अब दीदी को भी कॉल पे ले लिया। बिल्कुल क्या फटाफट लो, 2 घंटे लगा दिए तुमने, इसको भी दुखी करके रखा होगा। कौन सा स्टाइल कर रही है?
धोती जैसी पहन यार, दो दो तीन तीन जाने इनको पसंद करा रहे हैं भाई, दो दो तीन तीन जाने, और ये अभी तक फोटो में खींच खींच के देख रहे हैं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। भाई भी इनको दिखा दिखा के दुखी हो गया यार, वो भी कह रहा कह रहा पसंद कर लो फटाफट, ये पसंद करना और मुझे तो नींद आ रही है। अब कहाँ जा रहे हो यार, इतनी धूप, अब तो धूप ही होगी, मुझे कहाँ घुमा रहे हो यार, इतना तो बनता है तो यार इनकी शॉपिंग हो गई है, इतनी देर लगा दी इन्होंने शॉपिंग में, और उन्होंने फिर भी अभी अल्ट्रेशन वगैरह को टाइम लगाएगा, तो फिर मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा इनकी ड्रेसेस लेने के लिए। अब मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है यार। तो यार बारिश बड़ी खतरनाक पड़ रही है एकदम से ही, पूरा माहौल बन गया, सीन बना पड़ा पूरा यहाँ पे। तो मैं दोस्तों को कॉल करूँ, रात का कोई प्रोग्राम बनाया जाए अगर टाइम लगा तो, वैसे तो बारिश का कोई आने वाला है नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी यार एक फंक्शन के ऐसी गेड़ी मारने निकले थे, वो भी सारा ख़राब हो गया था बारिश करके। बारिश में एक काम बढ़िया आ रहा है, गाड़ी धुल गई है मेरी, ये सबसे बढ़िया काम लगता है मुझे बारिश में। तो यार अब हम दोबारा शॉप पे जा रहे हैं, जो सामान हमारा रह गया था, क्या रह गया यार, ड्रेस रह गई है मेरी ऑल्ट्रेशन के लिए, दिया वो लेके ओके। तो चलो फिर लेके आते हैं आप की ड्रेस, उसके बाद क्या खिलाओगे यार, आपके खिलाओगे, मैं तो यही पूछने वाली थी, आपके खिलाओगे यार। मैं क्या खिलाऊंगा, तुमने खिलाना है, मेरे पास नहीं पैसे, इतना बड़ा पर्स है उसमें 10 रुपए, इतना बड़ा पर्स है इसमें 10-15 रुपए तो है, नहीं हो सकते हैं इसमें 10-15 रुपए, 10-15 नहीं होंगे तो, 10-15 भी नहीं है मुझे लग रहा है, 5 ही रुपए। तो बेटे पर्स लिया ही क्यों है, 5 और 7 रुपए है टोटल, तो पर्स रखा ही क्यों है, क्योंकि कैश वाले सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत पैसे है, निकालते नहीं है पैसा बस। तो अब हम वापस आ गए, तो यार देखते हैं चलो रेडी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। यार जो भी सामान लेने आए थे मैडम की ड्रेस, तो वो तो उन्होंने अभी अल्ट्रेशन की नहीं है, कह रहे कल सुबह आएंगे, बेचारी का मूड ऑफ हो गया, काफी बुरा लगा मुझे, काफी बुरा लगा मुझे, ज्यादा लगा क्योंकि मेरा कितनी दूर आना पड़ा मुझे, फिर यार क्या कर सकते हैं यार, जिसकी ड्रेस है उसको ज्यादा बुरा लगता है। अरे यार मैं कैसे यार अपने कीमती समय में से यार तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ, ऐसे कीमती समय हमारा भी कीमती है, आपको कोई नहीं है नौकर कीमती है, क्या कीमती समय है बेटा, अच्छा? तेरा कोई ऐसा खास कीमती समय नहीं है बस अमूल्य। तो यार कुछ खिलाई दे यार, यार आप खिलाओगे यार, मैं तो आपके हाथ में बैठी हुई हूँ, क्या खिलाओगे, मेरे पास पैसे नहीं है, दुनिया जहाँ की गरीबी मुझे ही है, वो तो है ही है, मैं नूडल नहीं खाने हैं, पर मेरा मन कुछ और ही खाना है, तो कुछ और खा लेते हैं, कुछ और में क्या खाना है, कुछ और में आप क्या खाओगे, कुछ बढ़िया सा, चलो फिर भी सिलेक्टेड रख रही हूँ कि मैं चलो नूडल्स खा ही लूंगी, मेरे पास तो ऑप्शन है, आप अपना देखो, तू तो बेटे चाइना से आई है, नूडल ही खाई, लग भी रही है यार तू, आज चाइनीज से लग रही है, फीलिंग है चाइनीज, साधारण सी औरत लग रही है, साधारण स्त्री, कोई मुझे भी देखे साधारण स्त्री, मैं बेचारी अबला नारी, यार जेड़ा बनाता था वो दूसरा था यार, ये नहीं बढ़िया बनाता, मैं बेचारी अबला नारी। तो यार ऐसा ही तो हमें कोई बढ़िया सा खाने को मिल नहीं रहा, और सलाह भी नहीं मिल रही, मैडम कह रही है नूडल खाने हैं, मैंने कहा कुछ और खाना है, कुछ बढ़िया था रोज ही क्या नूडल खाई जाने, चाइना वाले लगेंगे शक्ल से आने वाले टाइम में, जो भी लगे लेकिन मुझे नूडल ही खाने थे, नूडल नहीं खाने यार, पर अभी तो तूने खाए हैं, काफी टाइम हो गया खाए, काफी टाइम क्या, 2 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गया खाए, हाँ भाई बहुत दिन का गैप पड़ गया भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिन का गैप पड़ गया भाई, बहुत ज्यादा दिन का, बहुत ही ज्यादा होते हैं, अंदर से तड़प होगी होगी, मेरी तो बॉडी डिमांड कर रही है कि बस नूडल आ जाए, नूडल, हाँ भाई अंदर से तो बॉडी कह रही होगी यार कुछ आ नहीं रहा, नूडल नहीं आ रहे, बस यही कह रही है बॉडी, यही कह रही है अंदर से, बस यही आवाज आ रही है, नूडल्स सिर्फ नूडल्स, और आज हम नूडल नहीं खाएंगे, हम घर का खाना खाएंगे,
वहाँ तो ठीक है, घर का ही खाएंगे हम, घर का ही खाएंगे। खा के बताना बाहर का। मैं तो खाता ही नहीं हूँ बाहर का। बस प्लीज बनो मत, बनो मत।